अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ये बस दिल करा कि जो है पूरी के साथ जो तरकारी खाई जाती है वो मैं बनाऊँ, तो मैंने कहा चले मैं उसके साथ जो है रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ, सबकी बनाने का ज़ाहिर तरीका अलग होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ कि बताती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए मेरा जो तरीका है बनाने का बहुत ही सिंपल है। ये आलू हैं, ठीक है, इनको कट कर लिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर ये साबुत धनिया है, इसको मैंने कूट लिया है। थोड़ी सी सौंफ है, इसको मैंने कूट लिया है। वो कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये कलौंजी है, और ये कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये नमक है, और इसमें एक अदद ये टमाटर जाएगा, ठीक है ना। तो देखें किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। ये आलू गए, ठीक है, और इसके अंदर ये एक गिलास पानी चलेगा जिसमें ये आलू गल जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये सारे मसाले थे ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और ये टमाटो, सब चीज़ें मतलब एक साथ डाल के, हर चीज़ एक साथ डाल के, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। पानी जो है इसमें मुझे लगा थोड़ा सा और जाएगा कि आलू जो है वो उसके अंदर डूब जाए। पानी मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करती हूँ। पानी इसके अंदर मैं एक गिलास और डाल दूँगी, अभी इसके अंदर पकेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे ज़रा सा, ठीक है। अब इसको आप जैसे इसके अंदर बॉयल आए आप इसको जो है ढक के रख दीजिए पकने के लिए, और इसके बाद जब भी पकती है तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। ओके जी, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, देखें इसकी लुक कैसी आई है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, मैंने इस वक्त हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने बीच में हल्दी ऐड कर दी थी। देखिए इसके अंदर हल्दी भी जाएगी, जब सब मसाले हम साथ डालेंगे ना तो उसके साथ हल्दी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसकी शक्ल हो जाएगी। उसके बाद हम लास्ट में इसके अंदर ये उबले हुए चने हैं, देखिए एक कप हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए चने। मिक्स करें इसको अच्छे से, ठीक है, और फिर इसके अंदर लास्ट में ये अचार, कोई भी आपको अचार इसमें डालना हो किसी भी तरह का वो आप इसके अंदर अचार ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत मज़े की ये तरकारी बनती है, आप अपने साथ बनाएं, पूरियों के साथ इसको खाएं, या पराठे के साथ भी इनफैक्ट आप इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है ये। अब इसमें मिक्स हो जाएगा, अब हम इसको लास्ट में जो है इसके अंदर हम ये हरा धनिया डाल के देखें, ठीक है, और बस इसको थोड़ी सी देर के लिए हम दम पे लगा देंगे ताकि ज़रा इसमें अचार का टेस्ट आ जाए और ये छोले जो हैं इसके अंदर सही से मिक्स हो जाए, और फिर इसको आप खाएं। यम्मी यम्मी जो है ये तरकारी बहुत मज़े की है, और फिर आप इसको खाएं। जी तो देखिए पूरियां मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, ये 2 कप मैदा लिया है मैंने, और ये 1 कप मैंने आटा लिया है, ठीक है, और इसको मैं कुनकुने पानी से मैं इसको गूंद लूँगी, और जितना आपको सॉल्ट डालना हो आप इसके अंदर सॉल्ट अपने हिसाब से आप इसके अंदर सॉल्ट आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिक्स करके अब आप इसको गूंदना शुरू करें, ठीक है, हल्के हल्के से पानी से जो है डाल के इसको मिक्स पानी से मिक्स करें और फिर इसको गूंदना शुरू करें, ठीक है। मैं गूंद के दिखाती हूँ किस तरीके से इसको गूंदते हैं। ओके, गूंदने के बाद शक्ल दिखाती हूँ कि मैं इसकी शक्ल कैसी आती है। आप पूरी को बेल दीजिए, आटे को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप आटे को रेस्ट दें, और ज़रूरी नहीं है पूरी की क्या शेप है, देखिए किस तरीके से फूलती है पूरी, देखिए आपने ये बिल्कुल इस तरीके से फूल जाएगी ज़बरदस्त। ये देखें चलो कैसे 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 देखें इस तरह, ये हम इसमें पूरी को अपने। जी जनाब, तो ये है मेरी तरकारी की देखें फाइनल लुक, ये मैंने इस तरीके से निकाल ली थी, और मैंने साथ पूरियाँ भी बना ली थी।
कि जो है मैं आपको दिखा सकूं। तो ये है मेरी पूरियाँ और ये है तरकारी। उम्मीद है कि आपको मेरी जो है ये अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।